प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मन से देशवासियों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति उपासना की धूम मची है। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है, शक्ति उपासना में जुटा हुआ है। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत बना है। हमारे चंद्रयान ने चांद पर तिरंगा फहराया। भारत में आयोजित G20 की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है, आपके वोट से मजबूत सरकार बनी है। भाजपा सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया है। विपक्ष के जो लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया।